नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुसरांद पार्क चौराहे से लेकर सुभाष पार्क चौराहे तक रैली निकाली गई। एवं सुभाष पार्क चौराहे पर जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने उद्बोधन दिए। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम नरसिंहपुर को ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसके मुख्य मांगे सरकार द्वारा मूंग खरीदी में मैसेज धीमी गति से भेजे जा रहे हैं एवं सरकार द्वारा पिपरिया में शाहपुरा रोड पर जो टोल टैक्स वसूली के चालू किए जा रहे हैं उनका भी विरोध किया गया। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल गैस के दाम के साथ साथ खाद्य पदार्थ सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है, जिसका विरोध किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास की दूसरी तीसरी किश्त अभी लोगों को नहीं मिल पाई है, जिससे लोग घर अधूरे पड़े हुए हैं और त्रिपाल डालकर अपने घरों में गुजर बसर कर रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आज किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? आज जो है हमारी जो है 5 मांगे थी और हमारी क्या पूरे जिले के लोगों की मांग है, ये जो जन है कैसी मांग है। सबसे पहले जो है मूंग में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, पर मूंग में जिस प्रकार से स्लो स्लो मैसेज निकाले जा रहे हैं, दो दो एकड़ वालों के मैसेज निकाले गए हैं, ऐसे मैसेज निकाले जा रहे हैं और इतने कम सेंटर है, एक ब्लॉक में 3 सेंटर मात्र है। ये बोहरीपार और करेली टोल नाका पे जो है टोल टैक्स के लिए जो है नए डब्बे लगाए जा रहे हैं, जहां टोल पे टोल लगाए जाएंगे, क्योंकि जब 5 साल से टोल बंद है और पूर्व में हाईकोर्ट के द्वारा ये टोल हटा दिए गए थे और वसूली बंद हो गई थी, तो क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने क्या नई सड़क निर्माण कर दी जो आप दोबारा टोल लगा रहे हैं? अगर आप टोल लगाते हैं तो ये अवैध वसूली होगी और इस वसूली के खिलाफ हम बहुत जल्दी जो है धरना और चकाजाम जैसे अनशन पर बैठ सकते हैं। नंबर 3, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस और खाद्य सामग्री कितनी महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल जो है 111 रुपये हो गया है, डीजल 100 से ऊपर हो गया है और मीठे तेल का जो पीका है, खाद्य जो तेल का पीका है वो करीबन 2,500 के आसपास पहुंच गया है। इन सब की तेजी की वजह से सरकार जो है इनमें इनको कंट्रोल करे, जिससे हमारे सामान्य वर्ग के लोग जो है भोजन व्यवस्था कर सके, अपने परिवार चला सके। चौथी चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज और है, कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनमें हम जो है 1,00,000 रुपए जो है मृतक परिवारों को दे देंगे, पर यहाँ पर हॉस्पिटल की जो उनके सीएमओ है सीएमएचओ जो है उनको निर्देश कर दिए गए कि आप किसी को कोरोना का प्रमाण पत्र ना दें। इसलिए जितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा गया है, पर उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये कोरोना से मृत्यु हुई है, इसकी स्थिति है वो उसकी पात्रता में नहीं आ पा रहे हैं और मुश्किल से 10% लोगों को कोरोना की राशि मिल पा रही, 90% लोग जो है इस लाभ से वंचित हैं। वो परिवारों ने 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जो है इलाज में खर्च किए और उनको 1,00,000 रुपए तक नहीं मिल पा रहा कोरोना से, ये समस्या है। नंबर 5, प्रधानमंत्री आवास में जो किस्तें डल रही हैं वो डल नहीं पा रहे हैं, जिनको सेकंड किस्त मिलना चाहिए, जिनको थर्ड किस्त मिलना चाहिए। लोग आज भी हमारे शहर में जो है पनी लगा के किराए के मकान में रह रहे हैं, पर आवास की किस्त न मिलने से आज वो मारे मारे फिर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नरसिंहपुर से सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।